নমস্কার, সাবনাভিক নিউজ নেটওয়ার্কে স্বাগত। দলের অন্যতম শীর্ষ নেতা সুব্রত বক্সির নিষেধ মেনে দলীয় বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের বিরুদ্ধে আর খড়্গহস্ত হলেন না ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং, বরং নবীন বিধায়কের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেবার কারণে তিনি যে যথেষ্টই অখুশি তার প্রমাণ মিলল সাংবাদিক সম্মেলনে তার বিভিন্ন কথায়। যেমন তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, 2009 সালে ব্যারাকপুর আসনে যখন তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন দীনেশ ত্রিবেদী, তখন সংসদীয় এলাকায় তিনি ছিলেন সিপিএম এর বিরুদ্ধে লড়াই করে জেতা একমাত্র বিধায়ক। সেই নির্বাচনের তরী তার নেতৃত্বেই পার করেছিল দল। আর সর্বশেষ লোকসভা নির্বাচনেও তিনি বিজেপি প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন কোনো বিধায়কের সাহায্য ছাড়াই, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন মানুষের ভোটে সাংসদ বা বিধায়কেরা নির্বাচিত হন, সেখানে দলীয় কর্মীদের একটা ভূমিকা থাকে মাত্র। শেষ কথা বলে সাধারণ মানুষ, আর তিনি দলীয় কর্মীদের সাথে তো বটেই, বেশি পছন্দ করেন সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে, তাদের সাথে কথা বলতে। 2009 में जब दिनेश त्रिवेदी यहां चुनाव लड़े थे तृणमूल कांग्रेस का आशीर्वाद लेकर, तो अकेला मैं विधायक था और उनको जिताया भी था। सबसे ज्यादा वोट से भाटपाड़ा से जिताया था मैं। उसके बाद तकरीबन बीजपुर को छोड़कर सब जगह से हम लोगों ने जिताया था। उस समय भी मैं अकेला था। उस समय की बात अगर कहेंगे तो जो आदमी, जो व्यक्ति उनका इलेक्शन एजेंट था, उसने ऐसा फॉर्म पर सही किया था कि सुबह सुबह इलेक्शन के दिन 90% बूथ पर हमारे इलेक्शन पुलिंग एजेंट को हटा दिया गया। उस समय निर्दल जो डायमी कैंडिडेट था हम लोग का, उनको देकर हम लोग अपना एजेंट बैठाया था, लेकिन हम लोग ने चुनाव जीता था। 2019 की भी अगर बात कहेंगे तो सारे लोग विरोध में थे, तब भी 2019 का चुनाव यहाँ की जनता ने मुझे जिताया। उस समय भी मैं कोई विधायक कोई लोग हम लोग के साथ नहीं। तो चुनाव जीतना और चुनाव हराना, ये सब जनता के ऊपर होता है। जनता किसको जिताएगी? अगर मेरे काम से जनता को पसंद है तो मुझे जिताएगी। किसी के कहने पर अगर मैं भी कहूं कि मैं किसी को हरवा दूंगा तो शायद मेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। देखिए, तृणमूल का मंच पर जहां मुझे बुलाया जाता मैं जाता हूं मैं, लेकिन मैं ज्यादा कोशिश ये करता हूं कि पार्टी के साथ साथ सामाजिक मंच को ज्यादा व्यवहार करके सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ने पर पार्टी और ज्यादा मजबूत होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके राजनीतिक मंच को शेयर नहीं करते, लेकिन समाज के बहुत, जिनका संख्या बहुत ज्यादा होता है। खाली मैं अपने कैडरों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर पार्टी के मंच के सामने भाषण दूं तो मैं ही बोलूंगा, मैं ही सुनूंगा, तो ये मेरे लिए, मेरे समझ से, मैं, मेरा व्यक्तिगत मत है कि मेरे समझ से ये पार्टी के लिए बहुत अच्छी नहीं बात है। लेकिन सामाजिक रूप से जो जनप्रतिनिधि एक्टिव रहता है उसके लिए चुनाव जीतना बहुत कठिन नहीं होता। बक्सी जी का क्या निर्देश है? बक्सी जी का निर्देश है कि आज से, अभी से, मैं कल ही इस बात को मैं चर्चा कर लिया हूं कि हमें इस इशू पर कोई भी वक्तव्य नहीं देना। क्रिमिनल थाकबे ना, एकटाई रास्ता आछे, বা জেলে থাকুক বা এলাকার বাইরে থাকুক, এর ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। যেমন গতকাল দেখেছি দুর্নীতি করে মাত্র 5 বছরই কোটিপতি হয়েছে, ভাটপাড়াতেও তেমন কান পাতলে শোনা যায়। 2021 পর থেকে লুটের রাজত্ব চলছে, সেটা যখন ধরা পড়বে তখন বোঝা যাবে যে লুট করছে কে ভালো। ব্যারাকপুর থেকে রাজাতে সাবনাভিক নিউজ। সমস্ত খবরের আপডেট পেতে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করুন সাবনাভিক নিউজ, সেই সঙ্গে বেল বাটন প্রেস করতে ভুলবেন না। আপনাদের একটা সাবস্ক্রিপশন আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। জয় হিন্দ।